वैसा ही दूसरा टॉपिक कौन सा है? प्राणासांगा। प्राणासांगा के बारे में दो चीजें, राज्याभिषेक 5 मई 1509। आपको कई किताबों में आप पढ़ोगे तो ये यहाँ पर 24 मई भी मिल सकता है। क्या ना मिल सकता है? 24 मई। लेकिन आपको एग्जाम में मई ही पूछेगा और दोनों में से एक ही डेट आएगी। ये तो इसका राज्याभिषेक, यहां से लेकर 30 जनवरी 1528 को इसकी मृत्यु, इतने दिन तक ये राजा रहा। ये डेट तो इसकी किसकी है? राज्याभिषेक की। और ये किसकी है? मृत्यु की। आगे बात समझ में? कोई भी शासक जो अपन ये लिख रहे हैं ना, ये इंडिकेट करता है पहली उसके राज्याभिषेक की है और दूसरी किसकी है? उसकी मृत्यु की है। तो इतने समय तक ये शासक रहा। ठीक है साहब, राणा सांगा के बारे में एक क्वेश्चन बनेगा उसका अन्य नाम का। हाँ, 5 मई और 24 मई, कुछ विद्वान ये मानते हैं कुछ ये मानते हैं, लेकिन आपको इतना जरूर है कि मई में हुआ था। क्या हुआ था? मई में हुआ था। तो आप तो मई 1509 याद रखें, मेन चीज ये है। आजकल इतने फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, और आएंगे भी ना तो दोनों में से एक ही देगा। वैसे मई याद रहनी चाहिए आपको, 5 या 24 मई। ठीक है, अन्य नाम, राणा सांगा का वास्तविक नाम ही क्या था आपको मालूम है? संग्राम सिंह। और दूसरा नाम इसको दिया कर्नल जेम्स टोन ने, सैनिकों का अवशेष। सैनिकों का अवशेष ये नाम देता है इसको कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड तो यही कहता है साहब ये तो सैनिकों का अवशेष था और वास्तव में यही था, क्योंकि कर्न जो ये राणा सांगा था उसके शरीर पर 80 घाव, एक टांग नहीं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, तीन तो बड़े बड़े अंग ये नहीं, हाथ भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है और एक ही आंख भी नहीं है। सोचो, और फिर शरीर पे 80 बड़े बड़े घाव, क्या समझेंगे आप उसको? एक वो तो यही किसी का तो हाथ लगाया है, किसी का पैर है, किसी की मुंडी है, किसी की आंख है, ऐसा ही है। तो कुल मिला के इसको बोला गया कि साहब ये तो क्या है? सैनिकों का एक अवशेष है। समझ में आ गया? और सैनिकों का अवशेष बताने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। एक आता है इसकी उपाधि के बारे में। इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधि एक ही है, हिंदू पथ। देखो दो उपाधियां, तो हिंदू सुल्तान और एक है हिंदू पथ। ध्यान रखना, हिंदू सुल्तान तो किसको कहा गया है? राणा कुंभा को कहा गया है। और हिंदू पथ किसको कहा गया है? राणा सांगा को। ये तीन चीजें लिखो, फिर मैं आपको आगे और लिखाता हूं। लिख लिया साथ साथ? लिख, फटाफट लिख, नहीं लिखा तो। आज एक कौन नहीं आया? अन्य क्यों नहीं आया आज? कहाँ गई वो? अच्छा, कोई एग्जाम है क्या उसके? अच्छा, हो गया। अब देखो, राणा सांगा बेचारा जिंदगी भर संघर्ष ही करता रहा था और ज्यादातर उसे युद्ध ही करना पड़ा। तो इसका जो मुख्य कंटेंट अपन को याद करना है राणा सांगा के बारे में, वो युद्ध के बारे में करना है कि राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। और इन युद्ध के मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, सबके सीक्वेंस के अंदर कभी नहीं भूलोगे। अरे युद्ध की एक ट्रिक बता देता हूँ कि कभी आप भूलोगे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी का, गुरु मेमा देवसा तेज है, यही था ना? गुरु मेमा देवसा तेज है। ऐसा ही कुछ इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो यहां पर अपन को
सांगा के युद्ध अभियान, सांगा के युद्ध अभियान इनकी अपन बात करेंगे। तो अपन गांवड़ी स्टाइल में आ जाए थोड़ा सा, खेती बाड़ी गई बह के खान में, खेती बाड़ी गई बह के खान में। अरे बरसात का मौसम है ना, तो इतनी तेज बारिश आई कि बेचारी अपनी खेती बाड़ी बह के कहां पर चली गई, खान में चली गई, चली जाती है ऑब्वियसली, सीधी सी बात है, होता ही नहीं होता, ये चीजें हैं। बस ये लाइन याद है तो सांगा के सारे युद्ध अभियान बिल्कुल क्रम से याद है, ठीक है। सबसे पहले हे देवी खानवा का नहीं, खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? खातोली का युद्ध। ये बाड़ी है, इसको बारी का या बाड़ी का या फिर इसको धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं। गई, गई से हो गया गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? गागरोन का। बहके, बहके से हो गया बयाना का युद्ध, और खान से हो गया खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो गया? खानवा का। खेती बाड़ी गई बहके खान में। एक बार इसको समझ लो इधर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार समझो, आप लिखो मत, एक बार इसको समझो। खातोली का युद्ध, इसकी तिथि भी बड़ी सीधी सी है, सीक्वेंस में है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। 1517 बाड़ी का युद्ध, 1518 गागरोन का युद्ध, 1519 बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527 16 फरवरी 1527 खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। बताओ बिल्कुल सीक्वेंस में है या नहीं है? ट्रिक ऐसी जगह पर याद काम में आती है जहां आपको कोई सीक्वेंस आपको डालना है, और सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है, तब अपन सीधा सा कर सकते हैं। खेती बाड़ी गई बह के खान में, खातोली बारी गागरोन बयाना और कान उसको खानवा। अब आपको ये पता होना चाहिए खातोली तो कहां पर है। तो देखो वर्तमान की बात करें तो खातोली का मैदान है कोटा के अंदर, लेकिन पहले ये पार्ट किसका था? बूंदी के अंदर। तो कोई पुरानी किताब देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें बूंदी। और वर्तमान में जो भी देखोगे उसमें क्या मिलेगा? कोटा। यानी खातोली का मैदान कहां पर है वर्तमान में? कोटा के अंदर है। बाड़ी बारी ये तो बताने का जरूरत ही नहीं है कहां पर है, धौलपुर, नाम से क्लियर हो रहा है। गागरोन, गागरोन बताने की आवश्यकता है क्या? ये कहां पर है? झालावाड़। बयाना, बिल्कुल राइट, भरतपुर। खानवा, ये भी भरतपुर। खानवा भी कहां पर है? भरतपुर। बयाना भरतपुर, खानवा भरतपुर, गागरन झालावाड़, बाड़ी या बारी का मैदान धौलपुर में, और खातोली का मैदान कोटा के अंदर, वर्तमान में कोटा में। एक तो देखो ये, दूसरा किसके खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया? तो खातोली का युद्ध ये लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बारी या बाड़ी का युद्ध, ये भी सेम इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा जाता है। गागरोन का युद्ध, ये थे मालवा के, कहां का? मालवा का, महमूद खिलजी द्वितीय। यहां ध्यान रखना, जो कुंभा के समय पढ़ रहे थे वो तो कौन सा था? प्रथम। और ये कौन सा है? सेकंड। बयाना, ये युद्ध होता है बाबर के सेनापति, बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा, क्या नाम था उसका? मेहंदी ख्वाजा के साथ होता है। और खानवा का युद्ध, इसका नेतृत्व खुद कौन करता है? बाबर करता है। आगे बात समझ में? इब्राहिम लोदी। अब देखो युद्ध का परिणाम लिख रहा हूं मैं इसमें, परिणाम, ये परिणाम लिख रहा हूं मैं किसके संदर्भ में? सांगा के संदर्भ में, ठीक है ना, किसके संदर्भ में? सांगा के। तो सांगा इस युद्ध को जीतता है, इस युद्ध को भी जीतता है, इसमें भी विजय प्राप्त है, यहां पर भी पूरी तरह से हराता है। एकमात्र युद्ध जिसमें वो हारता है
वो कौन सा है? खानवा का युद्ध। बताओ पूरा समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर है और आसानी से। एक बार तो आपका सिंपल अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा युद्ध के बारे में तो इसी चार्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। लिख लो। लिख लिया होगा सभी ने? क्लियर? तो इसको थोड़ा समझा दूं मैं। अच्छा देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे खातोलिका युद्ध की। खातोलिका मैदान पहले था बूंदी में, वर्तमान जब जैसे कोटा वगैरह जिला अपन बनाए
तब ये कहां पर है, कोटा में। वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, कोटा के अंदर। लेकिन जब अपन इंडियन हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं कोटा का नाम नहीं आता, वहां पर तो खातौली का युद्ध भी नहीं कहते उसको, सीधा सीधा बूंदी का युद्ध ही कहा जाता है। क्या बोलते थे इसको, बूंदी का युद्ध भी कहते हैं, कि सब बूंदी के युद्ध में, उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। ये युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण ये था, इब्राहिम लोदी के पिता श्री सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी के पिता कौन थे, सिकंदर शाह लोदी, ये गुजरात अभियान पर जाते हैं। लेकिन गुजरात पर जाने के लिए आपको मेवाड़ की सीमा से होकर जाना पड़ता है, और उनके वो मुस्लिम जो सैनिक थे बड़े उपद्रव मचाते हुए जा रहे थे, मंदिरों वगैरह को नुकसान पहुंचाते हुए। तो राणा सांगा ने उनको उनके ऊपर जैसे हमला करता है, और ये बिल्कुल सही सीधे रास्ते से उनको जाने के लिए कहता है, अपनी सीमा में से आने के लिए, कि भाई आप मेवाड़ की सीमा में होकर आए हो, आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। समझ में आया, तो ये सिकंदर शाह लोदी से टैक्स वसूल करता है, सीमा कर वसूल करता है, कि आप मेरी सीमा से होकर गए हो। और वो तो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह लोदी, उसका दिमाग फिर गया, यार ये इतना बड़ा आदमी कब से हो गया कि मेरे से और टैक्स वसूल कर रहा है, मैं दिल्ली का सुल्तान, इसको देखूंगा, लेकिन अभी नहीं, वापस आकर। उस वक्त मजबूरी थी, उसको गुजरात जाना पड़ा था, तो सब सीधा गुजरात चला जाता है। लेकिन गुजरात जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में ही गले की खराबी के कारण से सिकंदर शाह लोदी मारा जाता है, और उसकी मृत्यु के बाद में फिर जो राजा बनता है उसका बेटा इब्राहिम लोदी। तो ये अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना चाहते हैं। एक पिता का फर्ज भी है, पुत्र का फर्ज भी ये होता है, कि पिता का कोई अधूरा काम हो तो जरूर उसको साफ पूरा करना चाहिए, ये पुत्र के लिए उसका पितृ ऋण होता है, यही इब्राहिम लोदी का था। इब्राहिम लोदी ने नवंबर 1517 के अंदर सेना लेकर आया, और मालवा उसको मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, खातौली के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूतों ने यानी राणा सांगा ने बुरी तरह से इब्राहिम लोदी को हरा दिया, वापस चला गया सब। वापस जाता है तो वो सोचता है कि यार आपके बार में कम से लाने के गया था, और मुझे को अंदाज नहीं था राणा सांगा कितना शक्तिशाली है, और बड़ी विशाल सेना लेकर जाते हैं। तो वापस 2 महीने बाद में ही जनवरी 1518 को एक विशाल सेना लेकर आता है, और अब की बार दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, ये होता है धौलपुर स्थित बाड़ी के मैदान में। कहाँ पर होता है, धौलपुर में स्थित बाड़ी के मैदान में। इस युद्ध में भी वही डाक के तीन पात का समझते हो, वो का वही पहला वाला रिजल्ट बिल्कुल फत्ते की माँ का सब मुंह करके वापस आ गया। बोलते ना फत्ते की माँ का सब मुंह, वो ये तो है, बेचारा इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया, और अब दूसरी बार हारने के बाद में तो उसकी हालत ये हो गई कि जब तक वो शासक रहा तब तक कभी मेवाड़ की ओर आंख उठाकर भी दोबारा नहीं देखा। लेकिन इन दोनों युद्धों से जब दिल्ली के सुल्तान को इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया, तो राणा सांगा की साहब इज्जत बढ़ गई पूरे मेवाड़ के अंदर, पूरे राजपुताना में और हिंदुस्तान में। खुद मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम जो शासक थे वो कहने लगे कि दिल्ली तक अब हिंदुओं का कोई शासन अगर स्थापित कर सकता है तो वह व्यक्ति कौन है, राणा सांगा। इसीलिए मुस्लिम शासकों ने ही राणा सांगा को हिंदूपत कहा था। समझ में आ गया, हिंदूपत की उपाधि है ना, वो मुसलमानों ने ही दी थी, हिंदू शासकों ने नहीं, मुसलमान शासकों ने कहा था कि दिल्ली तक अगर वापस हिंदुओं का राज स्थापित कर सकता है तो वो करने वाला व्यक्ति कौन है, राणा सांगा। और इसको एक उपाधि दी, वो उपाधि कौन सी हो गई, हिंदू पद की उपाधि। बताओ दोनों समझ में आया नहीं आया। तीसरा गागरौन, गागरौन की जागीर राणा सांगा ने अपने मित्र चंदेरी के मेदिनी राय को दे दी थी। इसका मित्र कौन था, चंदेरी का मेदिनी राय को दे दी थी। लेकिन मालवा का सुल्तान जो मेदिनी राय का दुश्मन था, और गुजरात, ये दोनों चाहते थे कि इस मेदिनी राय से गागरौन भी छीन लिया जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर महमूद खिलजी द्वितीय के नेतृत्व के अंदर गागरौन के ऊपर आक्रमण करते हैं मालवा और गुजरात दोनों की संयुक्त सेना। लेकिन इस संयुक्त सेना को हरा देता है राणा सांगा, क्योंकि यहां पर मेदिनी राय की सहायता के लिए कौन आ जाता है, राणा सांगा जाता है। राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाया, 6 महीने तक बंदी बना के रखता है, और उसके बाद में
उसके पुत्र की जमीन पर कि जब पुत्र को तो रख जा और तू चले जा, 6 महीने बाद में उसको पुत्र को अपने पास में रखकर फिर महमूद खिलजी द्वितीय को ये आजाद करता है। आगे बात समझ में? यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के लिए, वो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि राणा सांगा ने गागरों की जागीर किसे भेंट की थी, तो बस ये याद रख लेना मेदिनी राय को। किसको की थी? मेदिनी राय को। मैं लिखा दूंगा आगे, आप तो एक बार इसको समझ लीजिएगा। अब आता है बयाना। देखो आपको मालूम होगा 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 एक युद्ध हुआ इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध। पता कौन सा युद्ध होता है? 21 अप्रैल 1526, राइट, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिस युद्ध के अंदर अफगानिस्तान से आकर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उनकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में 27 अप्रैल 1526 को अपने आप को दिल्ली आगरा का बादशाह घोषित कर दिया, और इसी के साथ मुगल वंश की नींव पड़े जाती है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर ही है ना। और उसकी जो नींव पड़ती है वो कौन सी युद्ध के बाद में पड़ती है? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। अब साहब दिल्ली पर कौन आ गया? बाबर आ गया। मुगल राज्य नई नई स्थापना हुई थी। इधर राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली पर हिंदुओं का राज होना चाहिए। तो एक मयान में दो तलवार रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। या तो हिंदुओं का राज रहेगा या फिर वहां पर किसका रहेगा? मुसलमानों का राज रहेगा। यानी युद्ध तो होना ही था दोनों के बीच में, यह तो निश्चित था कि युद्ध तो होना ही था। और इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है बयाना के अंदर। बयाना का किला राणा सांगा के अधीन ही था। यहां पर बाबर का सेनापति मेहंदी खवाजा आता है और अपना अधिकार कर लेता है। जैसे ही राणा सांगा को पता चला तो राणा सांगा एक विशाल सेना लेकर आता है और उस सेना के द्वारा उसने मेहंदी खवाजा को बुरी तरह से हराया और मुसलमान यहां से भाग गए। सांगा ने एक ही गलती की, भागती हुई सेना का पीछा नहीं किया। बस वो तो इस युद्ध में हरा के बिल्कुल साफ फूल के कुप्पा हो गया और ऐसे समझने लग गया कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया। अरे किसी को छोटी सी सफलता मिल जाती है ना तो उसे फूल के कुप्पा हो, जैसे प्री पास कर ली, ठीक है ना, और पार्टी शार्टी दे रहा है, बिल्कुल डीजे वीजे बज रहा है। अरे भाई प्री की है, अभी तो मेन बाकी है, और मेन भी कर लेगा तो इंटरव्यू बाकी है। होता ना ये चीजें, तो वास्तव में खुशी तो कब मनानी चाहिए थी? जब इंटरव्यू होने के बाद में रिजल्ट आए कि बन गया भाई मैं आईपीएस आईएएस बन गया, आरएएस बन गया, या जो भी व्हाटएवर जिसकी भी एग्जाम देते, तभी होता है ना। अगर आपने एग्जाम दी उसी की खुशी मनाने लग गए, पेपर अच्छा हुआ साहब मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है क्या? अगर फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर फत्ते की माँ का समूह होगा। कैसा होगा? बिल्कुल फत्ते की माँ का सा मुंह जाएगा आप लोगों का। यही मामला यहाँ पर था, ठीक है ना, कि जो राणा सांगा था, ये राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराकर अपने आप को तुरुमखा समझने लग गया और बिल्कुल साहब जुलूस के साथ 1 महीने तक का राउंड काट कर फिर वो खानवा के मैदान में पहुंचता है। तब तक बाबर ने अपनी सेना को वापस तैयार कर लिया। आगे बात समझ में? आपने देखा होगा अयोध्या विवाद चल रहा है, चल रहा है ना अयोध्या में, किसका चल रहा है? बाबरी मस्जिद का चल रहा है, चल रहा है बाबरी मस्जिद का। तो ये बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी वक्त हुआ था। बाबर के दो सेनापति थे मुख्य, एक मेहंदी खवाजा और एक था मीर बाकी। एक कौन था? मीर बाकी। मेहंदी खवाजा ने तो बयाना पे अधिकार किया था और मीर बाकी ने उस वक्त अयोध्या पे अधिकार करके अयोध्या में जो राम मंदिर था उसको तो तोड़ दिया था और उसके स्थान पर उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबरी मस्जिद के निर्माता कौन थे? मीर बाकी। और ये मीर बाकी बाबर के ही सेनापति थे साहब। किसके सेनापति थे? बाबर के सेनापति। इस युद्ध में हारने के बाद में अब बाबर भी तैयार हो गया कि भाई अपन को तो आर पार की लड़ाई लड़नी है। तो फिर खानवा का युद्ध होता है और ये एक बहुत ही निर्णायक युद्ध। इस युद्ध में क्या क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, इससे पहले इनके कोई एक दो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लिख लीजिए, फिर अलग से लिखेंगे अपन खानवा का युद्ध।
ठीक है ना, लिखो इसमें, देखो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुस्लिम शासकों ने ही, मुस्लिम शासकों ने ही सांगा को हिंदूपद कहा था, मुस्लिम शासकों ने ही सांगा को हिंदूपद कहा था, मुस्लिम शासकों ने ही राणा सांगा को हिंदूपद कहा था। तो हिंदूपद कहने वाले कौन थे? मुस्लिम शासक। ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट लिखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है दूसरा। राणा सांगा ने गागरौन की जागीर, राणा सांगा ने गागरौन की जागीर चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भेंट की थी। चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भेंट की थी। मेदिनी राय, चंदेरी के शासक मेदिनी राय, चंदेरी के शासक मेदिनी राय को भेंट की थी। दैट्स क्लियर। आगे बात समझ में? ये तो माय डियर आपके ये चार युद्धों के बारे में, ठीक है। बयाना का क्वेश्चन बनता है तो इस प्रकार से बन सकता है। एकमात्र युद्ध जिसके अंदर सांगा ने बाबर को हराया, तो वो कौन सा जाएगा? बयाना का युद्ध हो जाएगा। ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखाने की जहां तक मैं समझता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। और अब अलग से हेडिंग डालो, खानवा का युद्ध। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है। जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया, तुरंत मेरे को बता दिया करो। और एक बार पढ़ने के जैसे पढ़ा दिया मैंने इसको, प्लीज कम से कम घर पे जाके एक बार जरूर देखा करो। और जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैंने आपको बताया था कम से कम कितने क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन एक टॉपिक के आपको क्लियर करने ही करने हैं, इनको सॉल्व करने हैं। 300 क्वेश्चन पर टॉपिक के हिसाब से, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी लो, कोई भी सोर्स हो, हर टॉपिक के 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अगर आप वास्तव में एक रिजल्ट लेना चाहते हो तो। और रिजल्ट नहीं लेना है, टाइम पास करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक मैं समझता हूँ अब तुम्हारी उम्र टाइम पास करने की नहीं रही है क्या? अरे नहीं, ये वास्तव में फैक्ट बात है, अब नहीं रही है। अब बिल्कुल आप मेच्योर हो, अब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ज्यादातर के पास खुद की जिम्मेदारी तो है ही है, खुद के अलावा और भी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामंजस्य है, और उस सामंजस्य के लिए आपका नौकरी लगना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं आपकी वजह से, आपको तैयारी तो करवा रहे हैं लेकिन वो ही जानते हैं किस तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको बेचारों को बिल्कुल, बेचारा या बेचारी जो भी है, उनको 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। क्यों सर जी? मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, ये बात आपके लिए भी लागू हो रही है। आपके लिए भी सोच रहे हैं कि जल्दी नौकरी लगेंगे, उसके बाद में आराम से थाईलैंड घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। चले हो। अरे कहीं भी हो सकता है, एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है। देखो खानवा के युद्ध की बात करते हैं अपन। खानवा का युद्ध का क्या है? सबसे निर्णायक युद्ध, क्योंकि इस युद्ध से ये तय हो गया था, या ये तय होना था कि दिल्ली के ऊपर राज मुसलमान करेंगे या फिर हिंदू करेंगे, ठीक है, हिंदू करेंगे। दोनों में से तय होना था, वो इसी युद्ध से होना था, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, दोनों सेनाएं बिल्कुल साफ तैयार हो गई। एक तरफ राणा सांगा की सेना और दूसरी तरफ जो बाबर की सेना, दोनों ने अपने जो भी प्रयास करने थे सारे प्रयास किए।
बाबर ने जो प्रयास किया, ये प्रथा वापस शुरू की, जिसको बोला जाता है पाती प्रवन की प्रथा। कौन सी प्रथा? पाती प्रवन। नाम सुना आपने कभी? नहीं सुना। एक साइकोलॉजी तो या एक चीज तो आपने देखी होगी, जैसे यू मान लो अभी अपन है क्लास के अंदर, अब आपस में तुम कितनी सहेलियां हो, अब आपस में तुम्हारी लड़ाई हो जाए, तो आपस में तो अपन लड़ते रहे, लेकिन कोई दूसरी कोचिंग का आके लड़का या लड़की आके वो तुम्हारे से लड़ाई करे तो तुम सारे एक हो जाओ। हो जाओ कि नहीं हो जाओ? उस वक्त आ जाते यार, ये अस्तित्व वालों के साथ किसी दूसरी कोचिंग वाले ने कर लिया तो दोनों लड़े, उधर वो भी सारे हो जाएंगे और इधर आप भी अपने एक ही हो जाएंगे। अपने हिंदुओं की परंपरा ये है भाई, आपस में लड़ते रहे, कभी बीच में नहीं जाना चाहिए, वो कभी भी मिल जाएंगे और मिलकर जो बीच में जाएगा ना पहले उसका इलाज करेंगे। बताओ होता है कि नहीं होता? ये फैक्ट बात होती है। तो दो जब परिवार वाले आपस में चल रहा हो ना तो बीच में जाना ही नहीं चाहिए, कि हम आपस में तो लड़ लें लेकिन दूसरा अगर कोई आ गया ना बीच के अंदर तो उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारी वैदिक सभ्यता में यही था कि कबीले वाले आपस में तो लड़ते थे लेकिन जैसे ही अगर कोई दूसरे कबीले ने आक्रमण कर दिया तो कबीले के सारे लोग आपसे मतभेद बुलाकर एक हो जाते थे। क्या हो जाते थे? वो सारे के सारे एक हो जाते और एक साथ मिलकर कोई भी संकट आता उसका मुकाबला करते। उसी को बोला गया पाती परवान। क्या बोला गया उसको? पाती परवान। एक साथ मिलकर सारे सगे संबंधियों को एक साथ मिलाकर दुश्मन का मुकाबला करने की जो पड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पाती परवान। किसी जमाने में हमारे वैदिक काल में ये थी, उसके बाद में वापस इसको पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति है वो कौन था? राणा सांगा। इसके तहत उसने क्या किया कि जो राजपुताना है, इस राजपुताना के जो भी शासक हैं इन सभी शासकों को सहायता के लिए आमंत्रित किया। सहायता हेतु जितने भी हैं इन सभी को ये आमंत्रित करता है। तो अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि राजपुताना के किस किस शासक ने, कहां का शासक कौन था, किसने राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता की। अगर यह बात अपन देखें माय डियर, पहला तो देखो पड़ोसी देखते हैं। मेवाड़ का पड़ोसी कौन? मारवाड़। कौन था? मारवाड़। तो मारवाड़ से आता है शासक तो था वहां का राव गंगा, लेकिन राव गंगा ने पुत्र राव मालदेव, पुत्र राव मालदेव को भेजा। यानी कि मारवाड़ से कौन आता है? राव मालदेव। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इसलिए करता है, ऐसा आता है क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, सुनो क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से पूछा जाएगा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाला मारवाड़ का शासक था। ऑप्शन देगा राव गंगा, राव मालदेव, चंद्रसेन, जसवंत सिंह। तो अपन क्या सोचते हैं? सबके दिमाग में मालदेव ही रहता है। क्या रहता है? मालदेव। लेकिन मालदेव उस वक्त राजा नहीं था। राजा कौन था उस वक्त? राव गंगा। तो राव गंगा ने पुत्र मालदेव को भेजा, सहायता करने वाला शासक तो कौन कहलाएगा? राव गंगा। आगे लेकिन मारवाड़ की सेना का नेतृत्व इसमें खानों के युद्ध में करने वाला व्यक्ति पहुंचे, तब आपको क्या बताना है? राव मालदेव बताना। आगे क्या बात समझ में? एक तो देखो ये था। दूसरा इसके बाद में अपन देखें तो बीकानेर, बीकानेर से आता है राव जेतसी। आप कौन था साहब? जेतसी। इस राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल, इसका पुत्र कौन था साहब? कल्याणमल। यह आता है। तीसरा अपन अपने जयपुर देख लें या आमेर देख लें। आमेर की बात करें, आमेर के थे इस वक्त पृथ्वीराज कछवा, ये सहायता करता है। ऐसे ही नागौर, नागौर का करता है खानजादा। कौन था? खानजादा। यूं ही अपन देखें तो रायसेन, रायसेन का करता है सलहदी तमर।
ऐसे ही चंदेरिका, चंदेरिका आपको मालूम है कौन होगा? मेदिनी राय। ऐसे ही आपका भगत चंदेरिका, मेदिनी राय। पाली का, पाली का अखेर राज सोनग्रा, ये पाली सिरोही का था, ये कौन था? खिराज सोनग्रा। सात हो गए। आठवां अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा मेवात का हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती करता है, ऐसे ही करता है मोहम्मद लोदी करता है, क्यों करता है? झाला विदा करता है। खूब हो गए, खूब हो गए ना। लेकिन सब इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ। क्यों? इनके सबके क्वेश्चन आते हैं। आजकल वो जमाना गया, सीधा आपसे पूछ लिया खानवा का युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527। इतना सा खानवा में कौन विजय होता है? बाबर की विजय होती है। बाबर ने कौन सी युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध के बाद। ये पहले इसके प्रचलित क्वेश्चन थे, चार पांच क्वेश्चन थे पहले फिक्स, इन्हीं में से कोई आ जाता था, लेकिन आजकल उनमें से एक भी नहीं आता, ठीक है ना। वो जमाना गया, आपको उससे एक स्टेप एडवांस पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि भैया आज को पढ़ाने के बाद में, अच्छा 5 दिन अपने ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम जिस दिन हो उस दिन आप गालियां निकालो। हाँ ये तो फिर भी सहन कर ले। महिलाएं इनको पढ़ाया हुआ टीचर का नहीं आए तो मन ही मन में तो वहीं पर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना, पेपर के अंदर ही। और पेपर में आने के बाद में तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो हो संस्कृत के श्लोक चलेंगे मीठे मीठे, ठीक है ना, है ना, संस्कृत के श्लोक होंगे ना फिर तो। तो हम नहीं चाहते वो संस्कृत के श्लोक सुने, हम ये चाहते हैं कि वास्तव में ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, ठीक है, ओके। चलो ठीक। अरे तो हे देवी, तो भाषा तो चेंज हो जाएगी ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन अपने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेस मिलता है। मारवाड़ का समझ में आ गया, क्या क्वेश्चन आएगा? ऐसा ही सेम क्वेश्चन बनता है बीकानेर का। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ, इसका क्या बनता है कि आमेर का जो पृथ्वीराज कछुआ है ये युद्ध के मैदान में मारा गया, ये युद्ध में शहीद हो जाता है, युद्ध में वीर गति को प्राप्त। ये कई बार किसने आ जाता है? अमेरिका शासक जो खानवा के युद्ध में मारा गया वो कौन था? पृथ्वीराज कछुआ, ठीक है ना। नागौर का खान ज्यादा और सलेदी तंवर, इन दोनों को सांगा का विश्वासघाती माना जाता है, कि इन दोनों ने सांगा के साथ विश्वासघात किया था। कैसे? जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था ना, उससे पहले